नमस्कार, बोल्ड स्काई में आप सभी का स्वागत है। बालों को रिबॉन्ड और स्मूथ करवाने का चलन अब लड़कियों के बीच काफी पॉपुलर है। ये ट्रीटमेंट बालों को सिल्की और शाइनी बनाता है, लेकिन इसके लिए आपको पार्लर में पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, आप घर पर भी आसान तरीके से रिबॉन्डिंग और स्मूदिंग कर सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं रिबॉन्डिंग और स्मूदनिंग करने का तरीका। सबसे पहले अपने बालों की क्वालिटी के बारे में जान लें कि आपके बाल मोटे, पतले, मीडियम, रफ या फिर डैमेज तो नहीं। दरअसल इससे जो स्ट्रेट थेरेपी इस्तेमाल की जाती है वो बालों की क्वालिटी पर भी निर्भर करती है। ये जान लेने के बाद बालों में अच्छी तरह से शैम्पू करें और फिर ड्रायर से सुखा लें। जब बाल सूख जाए तो बालों को आयन अच्छे से कर लें। इसके बाद स्ट्रेट थेरेपी क्रीम सेक्शन बाय सेक्शन ऊपर वाली लटों से लेकर नीचे की लटों तक लगाएं। लगभग 15 से 20 मिनट बाद अपने बालों को चेक करें। अगर बाल स्प्रिंग की तरह घूम रहा हो तो समझ ले कि सल्फर बर्न्स टूट गए हैं, और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो कम से कम 5-10 मिनट और रुके। इसके बाद बालों को अच्छी तरह से धो ले और मीडियम हीट पर ड्रायर कर लेयर बाय लेयर बालों में स्ट्रेटनिंग करें। इसके बाद तुरंत न्यूट्रलाइजर सेक्शन बाय सेक्शन उसी तरह करें जिस तरह से आपने स्ट्रेट थेरेपी क्रीम अप्लाई की थी। इस दौरान बिल्कुल भी ना हिलें और 15 से 20 मिनट बाद इसे धो लें। जब बाल सूख जाएं तो ड्रायर करके उन पर सीरम लगाएं और फिर मास्क लगा दें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।